मनरेगा का मजदूरों को मिलने वाले लाभ देने होंगे, मनरेगा का मजदूरों को मिलने वाले देने होंगे, मनरेगा का मजदूरों को मिलने वाले लाभ देने होंगे, देने होंगे। सियाईटाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनरेगा का मजदूरों को मिलने वाले लाभ देने होंगे, देने होंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, जिंदाबाद। आज मनरेगा मजदूर जो फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर जो मंडी जिला का जो हेडक्वार्टर है, जहां लेबर ऑफिसर बैठते हैं, वहां पर जो आज हम मनरेगा मजदूर फेडरेशन के आह्वान पर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किस बात को लेकर है? अभी हाल में जो मंडी के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है, उसकी जो बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता जो है माननीय मंत्री उद्योग मंत्री विक्रम सिंह जी ने की है, उसके अंदर बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो मनरेगा मजदूर जो रजिस्टर्ड हैं बोर्ड के अंदर, उनको जो मिलने वाले लाभ हैं वो पिछले 3 महीनों से बंद कर दिए हैं। इसलिए आज हम यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को एक मांग पत्र जो है श्रम अधिकारी के माध्यम से भेजेंगे कि जो जन विरोधी फैसला जो मनरेगा मजदूरों के विरोध में लिया है, उसको शीघ्र वापस लिया जाए। उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी मांग है, मनरेगा मजदूरों को जो मिनिमम वेज है, जो हमारे देश का जो कृषि मजदूर है जिसको 350 रुपये दिहाड़ी मिलती है, मनरेगा कानून के अंदर भी ये प्रावधान है कि मनरेगा मजदूरों को 350 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए, उस मांग को लेकर भी आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उसके साथ साथ हमारी मांग है कि मिनिमम जो है मनरेगा मजदूरों को 120 दिन का काम जो है साल में मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। हालांकि हमारी मांग तो 200 दिनों की है, लेकिन अभी 120 दिनों का काम भी मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा है। इन मांगों को लेकर आज हम ज्ञापन सौंपेंगे और यहां पर प्रदर्शन करेंगे।